तो गाइस फाइनली हम लोग ज़ेनो गार्ड दिख चुके, लेकिन उसके साथ भाई इतने सारे ज़ेनो वोल्ट, भाई 25-25 लेवल के बॉस पोकेमॉन गए। लगता है गाइस हम लोग उसको पकड़ पाएंगे। ठीक है, देख रहे मार उसको, मारते पूरा मारते। ओ भाई इसके पास इलेक्ट्रिक लेजर कहां से आ गई। व्हाट्सअप, कैसे सभी लोग, स्वागत है सभी को एक और पैरल की धमाकेदार वीडियो में। यार तो गाइस आज हम जाने वाले ज़ेनो गार्ड को मारने के लिए, जो कि भाई बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है, और भाई उसको पकड़ने के लिए हम लोग को अल्टीमेट स्पीयर लगेगा। तो गाइस क्या लगता है हम लोग उसको पकड़ पाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है भाई ज़ेनो गार्ड बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है, मतलब हद से ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। तो मेरे को एक बार देखना भाई को कितना पावरफुल है, जिसको हम लोग पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। तो लेट्स गो, चलते हैं गेम में पता करते हैं। ऑलराइट गाइस, एक और स्वागत है मेरे बेस पे। गाइस आज हम जाने वाले ज़ेनो गार्ड से भिड़ने के लिए, जो कि भाई ज़ेनो वार्ड का पप्पा है, और भाई वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर रहा था, क्योंकि भाई ये देख रहा हूं ना, थोड़ी बहुत वेस्ट बना है, अल्टीमेट शील्ड बना रहा था, क्योंकि मेरा 55 लेवल हो गया यार। तो फटाफट इन सारी चीजों को मैं क्राफ्ट कर लेता। लेकिन गाइस आज मेरे को ज़ेनो गार्ड से भिड़ने जाना, तो उसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी बनती है ना। मैं गन भी क्राफ्ट करूंगा, उसके बाद जो हाईएस्ट लेवल का मतलब मेरे जो वेस्ट है ना, वो सारी चीजें मैं क्राफ्ट करूंगा। तो फटाफट से सारी चीजें क्राफ्ट कर लेते हैं। तो ऑलराइट गाइस, मेरा अल्ट्रा स्पीयर क्राफ्ट हो चुका है, लेकिन मैं हाइपर ग्लाइडर अभी क्राफ्ट कर रहा हूं। तो फटाफट इसको क्राफ्ट कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली मेरा हाइपर ग्लाइडर कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं हाइपर ग्लाइपलिंग गन क्राफ्ट करता हूं, इसको भी क्राफ्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। तो गाइस ये सारी चीजें क्राफ्ट करते हैं, रात हो चुकी है। गाइस अभी मैं क्राफ्ट कर रहा हूं भाई मशीन गन, जो कि भाई बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। मैं इसको टेस्ट करूंगा भाई ज़ेनो गार्ड के ऊपर, देखते भाई कितने का डैमेज देगा कितने का नहीं। तो गाइस मैं सारी चीजें क्राफ्ट करके आप लोगों को डायरेक्ट सुबह मिलता हूं। तो गाइस फाइनली सुबह हो चुकी है, मैंने सारी चीजें क्राफ्ट कर ली। लेकिन गाइस मैं एक चीज भूल गया, मैंने अल्टीमेट बॉल क्राफ्ट नहीं किया एक भी। तो फटाफट से मैं 40 की अल्टीमेट बॉल क्राफ्ट कर लेता हूं, फटाफट से मैं सारी चीजों को क्राफ्ट कर लेता हूं, लेट्स गो। तो ऑलराइट गाइस फाइनली मैं सारी चीजें क्राफ्ट कर ले। ये देखो गाइस, ये है मेरा हाइपर ग्लाइडिंग गन, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल गन है, जो कि बहुत दूर तक एम करता है। उसके अलावा मेरे पास ये मिसाइल लॉन्चर, जो कि भाई नेक्स्ट लेवल चीज है, मतलब इससे जोर ज्यादा डैमेज देगा। उसके अलावा मेरे पास है ये तगड़ी मशीन गन, जो कि भाई मोस्ट पावरफुल गन लग रही है मेरे को गेम करने। लेकिन अभी टेस्ट करना पड़ेगा हम लोग जेंडर के ऊपर, एलेक्जेंडर के ऊपर, देखते भाई क्या होता है। उसके अलावा मैंने क्राफ्ट किया 3 वेस्ट, एक मेरे पास एक्स्ट्रा वेस्ट है, पता नहीं कौन सा कलर का था, लेकिन मैंने इसको भी क्राफ्ट किया। मेरे पास अल्टीमेट स्पीयर है जो 40 हो चुका है। और कुछ दिखाना आप लोग को? ओके, मेरे पास अल्ट्रा शील्ड है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हाइपर ग्लाइडर है, उसके बाद ये है मेरे पास हेलमेट, और बाकी चीजें तो आप लोग देख ही सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने क्राफ्ट कर लिया, बाकी मेरे पैल्स की टीम भी देख सकते हो। तो लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से नीचे, चलते हैं भाई ज़ेनो गार्ड को मारने के लिए। मेरे को देखना भाई ज़ेनो गार्ड कितना ज्यादा पावरफुल पैल है, मेरे को उसका अटैकिंग देखनी है, उसका अटैक कौन सा करता है कौन सा नहीं। ड्रैगन टाइप मेरे को इतना पता है कि ड्रैगन टाइप है, और ड्रैगन टाइप अटैक करता भी है कि नहीं करता भाई मेरे को कुछ पता नहीं है। और गाइस वो पैल रहता है भाई बर्फीली जगह पे, जहां पे भाई मेरे को पता भी नहीं कहां पे स्पॉन होगा कहां पे नहीं, लेकिन भाई मेरे को इतना पता है वो बर्फीली जगह पे स्पॉन होता है। फटाफट चलते हैं भाई उसको ढूंढते हैं यार। तो गाइस फाइनली हम लोग यहां पे पहुंच चुके हैं। फटाफट से आइस आर्मर पहन लेते, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आर्मर पड़े, बाकी हीट आर्मर मेरे पास है। लेकिन भाई एक आर्मर जो कि भाई सिल्वर कलर का देते, उसका क्या यूज है मैं कमेंट में जरूर बताना। उससे पहले हम लोग ज़ेनो गार्ड तो ढूंढना पड़ेगा ना, एक बार देखना भाई ज़ेनो गार्ड कहां है। भाई ज़ेनो गार्ड, ज़ेनो गार्ड ढूंढते भाई, देखते भाई कितना टाइम लगेगा हम लोग ज़ेनो गार्ड को ढूंढने के लिए। और बहुत सारे प्लेयर ने मेरे को इतना भी बोला था कि ज़ेनो गार्ड को पाने के लिए आप लोग को बेस फाइट लेना पड़ेगा, वरना तुम लोग हरा नहीं पाओगे उसको। तो एक बार हम लोग देख लेंगे, पहली बात क्या वो सच में इतना ज्यादा पावरफुल है जिसके लिए मेरे को बेस फाइट लेना पड़ेगा। तो गाइस कसम से ढूंढते ढूंढते सुबह से रात हो चुकी है, लेकिन भाई अभी तक मेरे को ज़ेनो गार्ड कहीं भी नहीं मिला यार। मतलब कहां रहता है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कहां पे स्पॉन भी होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। सच में बताओ भाई ज़ेनो गार्ड दिख ही नहीं रहा, कसम से नहीं दिख रहा है। ओके कहां है भाई, मिल जा यार, प्लीज मिल जा यार, कहां है? ओ ओ ओ आई थिंक मिल गया मेरे को, जहां तक वही है क्या ज़ेनो गार्ड, बस नाम मेरे को पढ़ना पड़ेगा। ओके ओके ज़ेनो गार्ड ही है, ज़ेनो गार्ड ही है। ओके ठीक है, फाइनली अपने को दिख चुका है ज़ेनो गार्ड, और वो कुछ ड्रैगन टाइप ही दिखता है यार, अपना जेड ड्रैगन है ना वैसा टाइप ही दिखता है। बाकी जेड ड्रैगन को तो मैं लेके आया, वो देखते भाई क्या होता है। पर ज़ेनो गार्ड की रखवाली करने के लिए भाई ज़ेनो वार्ड भी बैठे यार, क्या है सीन भाई, कितने सारे ज़ेनो वार्ड है यार, मेरे को एक ही तो दिख रहा है ज़ेनो वार्ड। देखते भाई अभी इससे फाइट ले को नहीं लो, अभी पहले ज़ेनो वार्ड को मार देते, रुक जाओ भाई। ज़ेनो गार्ड इतने सारे कैसे आ गए? ओ भाई ये कहाँ से आ गए? ओ भाई चार चार लोग कहाँ से आ गए यार। भाई ज़ेनो वार्ड को देखो भाई, 3 ज़ेनो वार्ड है जो कि 25 लेवल का, इसको तो हम लोग हरा देंगे। पर ज़ेनो गार्ड को भाई हराने में लगने वाला मेरा एल, क्योंकि भाई वो 55 लेवल का यार। भाई क्या हो गया? ओ भाई वो लोग मेमरस से फाइट लेने लगे, मेमरस लोग को मार यार। एक काम कर भाई, जब ब्लेजमुल्ड तू भी मारने लगे उन लोग को मदद कर दे यार। तो गाइस देखो इसको मारना है, मार इसको ब्लेजमुल्ड, मार इसको, इसको मारना। बाकी ये कौन सा अटैक है भाई? ये अटैक तो मैं जानता भी नहीं हूँ। ओके रुक जा भाई को बचना इससे, प्लीज बच गया बच गया बच गया बच गया भाई। लेजर टाइप मार रहा था, आइस अटैक मार ज़ेनो वार्ड। अरे ज़ेनो वार्ड में बोला ब्लेजमोल्ट, मार इसको ज़ेनो वार्ड को, मार दे भाई। मैं तो एक काम करता ना, अपनी गन निकाल लेता यार, मैं जो गन लेके आया तो मैंने उसको इक्विप ही नहीं किया यार। ठीक है फटाफट से इक्विप कर लिया हो, अब दिखाते भाई इसको असली पावर, दिखाते इसके ऊपर यूज करे। ये ले भाई खत्म है तू, तेरे को लग रहा है आज तेरा आखिरी दिन भाई। मशीन गन दे रहा डैमेज, लेकिन उतना डैमेज नहीं दे रहा यार। मतलब समझ लो कि अपनी राइफल है ना उतना वैसे ही है, पर इसका जो एमओ है ना वो जल्दी खत्म हो जाएगा मेरे को लग रहा है, पर उतना ही डैमेज दे रहा है। 2000 के एचपी हम लोगों ने कम कर दी भाई एक ग्लाइपलिंग गन के अंदर। आई थिंक मैंने उसकी एमओ, आई थिंक उसके ऊपर मैंने ना
100 के अंदर आई थिंक 80 mm उसके ऊपर उड़ाई थी। लेट्स गो, मैंने मिसाइल्स भी मार दिए उसके ऊपर। भाई खत्म हो जाए तुमने फटाफट, तभी तो मैं ज़ेनोवर्ड को मारूंगा ना, अरे ज़ेनोगार्ड को मारूंगा। लेट्स गो, एक खत्म हो चुका है, बाकी बस एक ही बचा है। लेट्स गो, एक ही बचा है, बस एक मिसाइल लॉन्चर खत्म, एक मिसाइल लॉन्चर तो खत्म। भाई रुक जा दो मिनट, ये ले मिसाइल लॉन्चर खा ले, तू एक काम कर, ये ले। हो गया क्या, और खाएगा मिसाइल लॉन्चर? आई थिंक ये खा ही नहीं रहा है क्या ये? भाई इसकी हेल्थ क्यों कम नहीं हो रही? भाई मार इसको यार। तो कस मैंने मेगा स्ट्रिंग को फेंका है, देखते हैं भाई कैसा मारता है। लेट्स गो, मार भाई मेगा स्ट्रिंग। ओके यू कैन डू इट मेगा स्ट्रिंग, मैं तेरी हेल्प नहीं करने वाला, तेरे को मारना पड़ेगा। भाई 25 लेवल का है तू, 55 लेवल का है, तू क्या कर रहा है? मार इसको, ठीक है मार रहा है, उसकी हेल्थ कम नहीं हो रही मेगा स्ट्रिंग की। सही है सही है भाई, वो तो अलग ही अटैक करे जा रहा है। एक काम करता मैं ना इसको क्रॉसबो से मारूंगा, फायर वाला क्रॉसबो से। रुक जाओ, इसकी हेल्थ फटाफट कम हो जाएगी इसको जला देंगे तो। लेट्स गो, मैंने इसको जला देते फटाफट से, एक और खा ले। अरे तू जल जा भाई फटाफट से, रुक जा, एक और बस जल गया भाई, जल गया। और इसका गेम इधर पे ओवर होता है। अब बस जेनो गार्ड बचे, इसको मारने के लिए भाई बस आराम से मारेंगे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जेनो वार्ड मर चुके हैं, जेनो वार्ड का पप्पा है जेनो गार्ड, तो इसको मारने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। देखते भाई कितना टाइम लगता है अपने को जेनो वार्ड को मारने के लिए, जेनो गार्ड को सॉरी मारने के लिए। मैंने जेड ड्रैगन को भेजा, जेड ड्रैगन मार इसको। बाकी इसके पास आइस टाइप अटैक आए क्या भाई? इसके पास आइस टाइप, ओके मैं जेड ड्रैगन को उसने इलेक्ट्रिक टाइप अटैक दे दिया यार, कसम से इलेक्ट्रिक टाइप अटैक इसके पास बहुत अच्छा है यार। पर इसके तरफ आइस टाइप अटैक कहाँ सा? ओ भाई ये इलेक्ट्रिक लेजर मार रहा है भाई, इसके पास इलेक्ट्रिक लेजर भी है। ओके ये बंदा है क्या? ले भाई लॉन्चर खा ले तू। मैं वही बोला, मेरे को आइस टाइप अटैक कहाँ से लग गया भाई? ड्रैगन टाइप में आइस टाइप कहाँ से आ गया भाई? आज पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है अब कोई खाम मशीन गन खा ले। ओके मैं बच जाऊँगा, ठीक है। तो डी एंड हो चुका, अब जेड ड्रैगन मारेगा भाई जेनो गार्ड को। लेट्स गो, मार दे पूरा खत्म कर दे इसको। वो मार नहीं रहा है क्या? वो भाई वो जल चुका है लेकिन वो मार नहीं रहा है, ये तो चीटिंग हो जाएगी ना अगर मैं उसको मार दूंगा तो। ये तो बेनिफिट वो भी बोलेगा भाई ये देखो मैं मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। अपने ब्लेज मुल्ट उठा कर पटक दिया उसको, देखते भाई क्या होता है अभी। भाई नहीं मार रहा, रुक जाओ वापस आ जा भाई, वो नहीं मार रहा। ओके मार रहा है। भाई तू तो मेरे साथ धोखा कर रहा है यार, तू मार भी नहीं रहा था अभी मार रहा है। ब्लेज मुल्ट मार तो इसको यार, इसके औकात दिखा दे भाई, क्या है इसके अंदर भाई? मार नहीं, ओके। ये भाई इसका जो इलेक्ट्रिक टाइप अटैक भाई अलग ही टाइप का अटैक करता है यार ये, देखो ना थोड़ा देर होल्ड करता है उसके बाद ये अटैक करता है हमारे ऊपर, और इसके साथ बहुत सारे सेंसर लगे, मेरे को लगता है सेंसर ही टाइप होगा ये। ओके ले लॉन्चर खा लिया इसने तो, अभी 250 का लॉन्चर लगा है आई थिंक, इसको 250 का लगा था, 225 का लगा था, क्या पता कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भाई लॉन्चर नहीं मारेंगे क्योंकि भाई अपना ब्लेज मुल्टी मार देगा इसको। ओके इलेक्ट्रिक लेजर इजी पीजी भाई, तेरे को कैप्चर कर लेंगे। देखते गाइस इसको मार दूंगा मैं तो, आराम से मार दूंगा भाई। कुछ पावरफुल गन नहीं है भाई, मतलब ज़्यादा पावरफुल है ही नहीं जेनो गार्ड यार, कौन बोलता ज़्यादा पावरफुल है यार? 55 लेवल का मेरे सामने खड़ा, उसकी HP 5000 है। आ गया बॉल में, अगर एक बॉल में आ गया ना पक्का ये कमज़ोर पोकेमोन ही है। एक बॉल के अंदर आ गया, आई थिंक आ गया। ओह गाइस भाई ने जेनो गार्ड को पकड़ लिया। बाकी मैंने जैसे ही बोला इसको कि एक बॉल के अंदर आ गया तो फटक से ये नूब पोकेमोन है भाई, सच्ची का ये नूब पोकेमोन है यार। ओ नो यार, फटक से हम लोग ने इसको मार भी दिया, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा यार, हम लोग इजीली मार दिया इसको। बाकी मेरे पोकेमोन्स की हेल्थ तो कम की है इसने यार, जेड ड्रैगन की हेल्थ कम है, ब्लेज मुल्ट की भी हेल्थ कम है, इसने खत्म ही कर दिया था। अगर मैं इसको नहीं मारता ना, पकड़ता नहीं तो आई थिंक ये मेरे ब्लेज मुल्ट को मार सकता था। तो फटाफट चलते अपने बेस पे, आप लोग मिलता हो फिर आप लोग दिखाता भाई जेनो गार्ड कैसे दिखता है यार। तो पहले हम लोग को बेस पे चलना पड़ेगा। बस जेनो गार्ड उतना ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन नहीं था, मेरे को इतना पता है, क्योंकि भाई देखो मैंने सामने आप लोगों को फाइट लिया, लेकिन भाई उतना ज़्यादा पावरफुल कहाँ निकला वो पहल, 55 लेवल का पहल था। लेकिन भाई इधर कहीं मीटियोर गिरने वाला है गाइस, कहाँ से गिरने वाला है? ओके मेरे को मीटर चाहिए भी रहेगा क्योंकि मेरे पास एमओ खत्म हो गई मीटर लॉन्चर की। भाई कहाँ है मीटर? ओके दिख रहा है। ओके इधर कहीं गिरने वाला है क्या? ओके मेरे पास ही गिर रहा है। ओके मैं देखना चाहता हूँ लाइव कैसे गिरता। ओ भाई सही है ब्रो, बाकी इन सारे पहल को भी पकड़ लेते। जा मार भाई पोशन मार। ओ भाई इतने सारे कहाँ से आ गए? मार पोशन इन लोगों को, तो हम लोग इनको पकड़ते यार। मेरे पास नहीं है, मतलब कि ये एक ही दो पोकेमोन होंगे मेरे पास। आ जा भाई बॉल के अंदर आ जा, मैंने अल्ट्रा स्पेयर अल्टीमेट स्पेयर देखो फेंक रहा हूँ। आ जा प्लीज़ आ जा भाई, तुम लोग एक तो आ जाओ। गाइस ये आएंगे कि नहीं आएंगे? ओके फाइनली एक मिल गया मेरे को, एक मिल गया भाई। 42-43 लेवल के पैल्स नहीं आ रहे भाई अल्टीमेट स्पीड के, ये तो बहुत गजब है यार। मैं आई थिंक हार्ड मोड पे गेम खेल रहा हूँ ना, आई थिंक इसलिए ऐसा हो रहा है। पर जेनो गार्ड इजिली कैसे आ गया? 55 लेवल का पैल था यार इजिली, मतलब व्हाट द हेल ब्रो, मतलब सीरियसली यार इतना कमजोर पोकेमोन, इनसे लगता है कि ये पावरफुल ज़्यादा पोकेमोन यार। ठीक है फोशन मार दे इसको, थोड़ा सा डैमेज देना बस इसको मेरे को पकड़ना है, ठीक है। ओके भाई मार दी पूरे तो, ठीक है फटाफट से हम लोग ये पत्थर भी ले लेते हैं क्योंकि मेरे को पत्थर की जरूरत थी, क्योंकि मेरे को मीटर लॉन्चर की एमओ बनानी थी यार। तो फटाफट से मैं इसको तोड़ता हूँ, रुक जा मेरे पास कहाँ गया मेरा वो नहीं लाया क्या? मैं पिकक्स नहीं लाया क्या? ओके मैं लाया हूँ, फटाफट से इक्विप करते इसको और फटाफट से इस हिसाब को तोड़ते हैं, फिर चलते भाई बेस पे, क्योंकि भाई मेरे को ये चाहिए होगा, क्योंकि मैं मीटर लॉन्चर कैसे लॉन्च करूँगा यार, मैंने मीटर लॉन्चर भी बनाया है और मेरे पास वो, लेकिन मेरे को ना मीटर लॉन्चर ज़्यादा बेनिफिट लगता है क्योंकि ना उससे ना आई थिंक कोई पैल ना हवा के अंदर उड़ने लगते हैं, मतलब वो लॉन्चर यूज़ करेंगे तो हम लोग। तो फटाफट से मैं इनको तोड़ता और इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स गो भाई टूट जा,
और इसके ना कुछ मिलता भी नहीं है यार, मतलब ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, मतलब इसके ना कुछ तो कुछ रहना चाहिए था यार, वरना इसके ना कुछ मिलता भी नहीं है अभी। और मैं फालतू का बकवास कर रहा हूँ, मेरे को ये तोड़ना चाहिए, तो मैं फालतू का आप लोगों के साथ बकवास कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। लेट्स गो, फटाफट इसको तोड़ते हैं। और भाई फोशल कुछ तो मदद करवा दे यार, मेरा स्टैमिना लो हो चुका है। फोशल अपने को देख रही है, बस बोल रही कि भाई तोड़ो तोड़ो, मैं तो तुम्हारा साथ देने वाली हूँ, बस उड़ा के तुमको घर पे लेके जाऊंगी। तो इतना हेल्प कर रही हूँ, उतना बहुत बड़ी बात हो चुकी है। फोशल भी लाइक ऐसा है, ठीक है फटाफट से ये फाइनली टूट चुका है। फोशल इधर आ जा, फटाफट चलते तेरे ऊपर, और फिर फटाफट चलते हम लोग बेस पर, ठीक है फटाफट चलो नीचे ही है, मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं है फास्ट ट्रैवल, लेकिन भाई मतलब सही है ब्रो। अपने को मिटरेट लॉन्चर के लिए एमओ तो मिल गई, एमओ नहीं मतलब एमओ क्राफ्ट करना पड़ेगा, पर एमओ के लिए तो अपने को वो जो मटेरियल लगता है वो मिल गया अपने को। तो फाइनली चलते अपने बेस पे, फिर आप लोगों को मिलता हूँ, फिर फटाफट से वो पैल भी दिखा देता हूँ। ऑल राइट गाइस, फाइनली मैं बेस के ऊपर आ चुका हूँ। फटाफट से देखो गाइस, ये है ज़ेनोगार्ड, जिसकी भाई डैमेज ज़्यादा नहीं है, मतलब कि कसम से, मतलब कि जितने मैंने पैल्स देते हैं ना उतना ही डैमेज है। 700 का डैमेज है इसका लास्ट। तो फटाफट से इसको इक्विप कर लेता हूँ, रुक जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, फटाफट से इक्विप करके आप लोग दिखाता हूँ भाई कैसा दिखता है ये पास से। लेट्स गो, फटाफट बाहर आ जा भाई, ज़ेनोगार्ड कहाँ है भाई, ज़ेनोगार्ड बाहर आ जा। ओके देखो गाइस, कुछ ऐसा दिखता है ये पैल, मतलब ये ना थोड़ा वो होता है ना लिजर्ड टाइप, वो ऐसा टाइप दिख रहा है, जैसे एक पुराने जमाने का देखो एक आता था यार, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, पर उसका जीव मतलब कि जीव जो होता था ना बहुत बड़ा होता था, तो वैसे टाइप ये कुछ तो दिखता है, पर भाई बहुत पावरफुल तो नहीं है। अटैक हो चुका है हमारे बेस के ऊपर, देखते भाई क्या करता है। ओके लेकिन मेरे पास मेरे बेस के ऊपर बहुत सारे पहल, तो भाई आराम से मर ही सकते हो लोग, सिंडिकेट्स लोग तो, ठीक है उतना तो हार्ड पोकेमोन नहीं, लेकिन हमने फाइनली ज़ेनोगार्ड को पकड़ लिया है। बिकॉज आज मैंने बस इतना ही आप लोग वीडियो के, इसलिए मैं शुरू से बताना वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, टाटा।